नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राव। किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को बदनाम करना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोशल मीडिया। यहां पर कुछ फर्जी तस्वीरों और खबरों के जरिए आप एक ऐसा नैरेटिव सेट कीजिए कि सामने वाले के बारे में लोगों को लगने लगे कि हां, ये बहुत बुरा व्यक्ति है या संस्था है। भारत के इतिहास में RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी यही हुआ। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि यह संस्था आतंकी संगठन है और जुल्म और ज्यादती करती है, लेकिन न तो ये एक भी सबूत दे पाते हैं और न कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो भी इन्हें मिलता है। तो फिर ये कैसे करते हैं, इसकी बानगी आपको इस ट्वीट से लग जाएगी। ट्विटर यूजर का नाम अयान नफी है और उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि RSS आतंकी है, वे हमेशा थे और अब ये भारत में सरकार को चलाते हैं। इस दावे को साबित करने के लिए ट्वीट के साथ जो तस्वीर शेयर की गई उसमें कुछ लोग भगवा रंग के गमछे पहने हुए हैं और उनके हाथ में तलवारें हैं जो एक व्यक्ति को धमकाते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को एक नहीं कई ट्विटर यूजर्स ने ट्वीट किया है। दावा वही, तस्वीर वही, शब्द कुछ बदले हैं। कॉमन बात यह है कि सारे ट्विटर यूजर अरब कंट्री के हैं और इनमें से दो वही हैं जिनके कुछ ट्वीट्स इन दिनों भारत में कुछ ज्यादा ही शेयर किए गए। इनकी पोल भी हमने एक वीडियो में खोली है कि ये भाड़े के पाकिस्तानी टट्टू हैं जो वहां के पैसों से भारत और उससे जुड़ी संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश के प्रोपेगेंडा में लगे हैं। वो वीडियो आप डिटेल में हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए उसे हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं। अब सवाल ये कि जो तस्वीर शेयर की गई है उसकी सच्चाई क्या है, इसके लिए हमने पड़ताल शुरू की। इस तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च में डाला, थोड़ा सा ढूंढने पर हमें IMDB पर यह तस्वीर मिली। तस्वीर के साथ लिखा था परजानिया 2007। इसका मतलब यह है कि यह फोटो 2007 में रिलीज हुई फिल्म परजानिया का एक सीन है। आपको बता दें कि IMDB फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों, होम वीडियो, वीडियो गेम और स्ट्रीमिंग सामग्री से संबंधित जानकारी का एक ऑनलाइन डेटाबेस है और यहां से जो तस्वीर मिली उसे ये भाड़े के पाकिस्तानी टट्टू RSS की बताकर सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि इनकी झूठी तस्वीरें सच्ची तस्वीरों को नहीं दबा सकती। RSS एक स्वयंसेवी संगठन है और वो देश में हर विपदा के वक्त असहाय और गरीबों, पीड़ितों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए आपको मिल जाएगा। हाल ही में कोरोना से जूझ रहे भारत में भी यह संगठन जोर शोर से लोगों की मदद में लगा है और धर्म जाति का भेद किए बिना ये जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में संघ के स्वयंसेवक मुस्लिम लोगों की सेवा करते हुए, उनकी मदद करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन अयान नफी जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भाड़े के यूजर्स को इन तस्वीरों से क्या मतलब? उन्हें तो वे तस्वीरें चाहिए जो संघ को बदनाम करने वाली हो। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब है कि उन्हें ऐसी तस्वीरें मिल ही नहीं रही, इसलिए वे फिल्मी तस्वीरों का सहारा लेकर इस संगठन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश में लगे। लेकिन उनको हम ये बता दें कि भारत में सारे मुसलमान संघ को नापसंद करते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ के मुसलमान इस संगठन के काम से अच्छे से वाकिफ है और वो उनके साथ भी है। इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जिसमें मुस्लिम स्वयंसेवकों के ऊपर फूल बरसाते दिख रहे हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों तस्वीरें आपको गूगल पर मिल जाएंगी। तो हमारी पड़ताल में संघ को बदनाम करने वाली ये तस्वीर और उसके साथ किया गया दावा बिल्कुल झूठा निकला। झूठी खबरों के खिलाफ हमारी मुहिम फाइट अगेंस्ट फेक न्यूज जारी रहेगी। आपके पास भी कोई तस्वीर, वीडियो या कोई खबर हो जिस पर आपको शक, सुभाव हो, शंका हो, तो आप उसे हमारे साथ साझा करें। डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी लिखी हुई है, उस खबर की पड़ताल कर उसकी सच्चाई हम आपको बताएंगे। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ऐसी तस्वीरें जो लोग शेयर कर रहे हैं उसकी सच्चाई उन लोगों को पता चल सके। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।